नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज का उपाय जो है वो है कि एक ऐसा इंसान जो कि आपको, अगर आपको बहुत पसंद है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, किसी कारणवश अगर वो आपसे नाराज हो चुका है, आपसे बात नहीं कर पा रहा, तो वो इंसान कैसे दोबारा से आपके प्यार में पड़ जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा, बिल्कुल वैसा ही प्यार करने लगेगा जैसा वो आपसे शुरुआत में करता था। ये उपाय आप लोग तब भी कर सकते हैं अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर वह पार्टनर आपको छोड़ कर जा चुका है, आपसे कोई कंटेक्ट नहीं रख रहा, किसी और से रिलेशन में भी आ चुका है, आप उसको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, उसके प्यार को वापस पाना चाहते हैं, बहुत नाराज़ है आपसे वो, बहुत गुस्सा है आपसे वो, और किसी भी तरीके से आप उसके प्यार को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, तो ये उपाय सिर्फ आपके लिए है। अपने पार्टनर को अपने साथ हमेशा रखने के लिए, उसका प्यार हमेशा पाने के लिए, अपने पार्टनर को अपने प्यार पे बिल्कुल सीरियस हो जाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहे, आपके लिए बहुत सीरियस रहे, आपके प्यार में पड़ा रहे, आपको कभी छोड़ कर ना जाए, या छोड़ कर जा चुका है तो दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए, दोबारा से वही प्यार के साथ, वही अट्रैक्शन के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, आपको आपकी अट्रैक्शन पावर, आपकी आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वह आपकी तरफ खींचा चला आए, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बस आप लोगों के लिए है। उपाय आपने शुक्रवार को करना है। ये उपाय आप शुक्रवार की रात को करेंगे। उपाय लॉन्ग के साथ जुड़ा हुआ है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो लॉन्ग से जुड़े हुए बहुत तरह के टोटके, बहुत तरह के उपाय, बहुत तरह के ऐसी चीज़ें बताई गई है जो कि किसी के प्यार को हासिल करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए, धन लाभ के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, बहुत तरह के लॉन्ग से जुड़े हुए टोटके हैं जो कि बहुत प्रभावशाली हैं और बहुत असरदार हैं। ये जो टोटका है आपके प्यार को हासिल करने के लिए, जिससे कि आपका प्यार सदैव आपके साथ रहेगा, अगर बिछड़ चुका है, आपसे दूर हो चुका है, तो दोबारा से आपके पास आ जाएगा। करना आपने क्या है, शुक्रवार की रात को आप ये उपाय करेंगे। आपने दो लौंग ले लेने हैं, दो लौंग लेने हैं, एक आपने तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते के ऊपर रेड कलर के पेन से आपने पार्टनर का नाम लिख देना है। पार्टनर का नाम लिखने के बाद दो लौंग आपने तेज पत्ते के ऊपर रख देने हैं और उस तेज पत्ते को आपने किसी धागे की सहायता से बांध लेना है। जब आप धागे की सहायता से बांध लेंगे, इसे अपने हाथ में रखकर एक मंत्र बोलना है जो कि आपने 7 बार बोलना है। आपने बोलना है ओम त्रि त्रो त्रि वश त्रि वश्य। ये मंत्र आपने बोलना है हाथ पे रखकर। वो जो तेज पत्ता होगा आपने हाथ में रख लेना है, लौंग दो लौंग बीच में डालने हैं, किसी धागे की सहायता से उस तेज पत्ते को आपने बांध लेना है, नाम जरूर लिखें उसके अंदर रेड कलर के पेन से पार्टनर का। ये मंत्र 7 बार बोलने के बाद शुक्रवार की रात को ये तेज पत्ता आपने अपने सिरहाने रखकर सो जाना है, सिरहाने रखकर सो जाना है, और अगले दिन शनिवार की सुबह आपने इसे गड्ढे में फेंक देना है, गड्ढे में गाड़ देना है, और गड्ढा वैसा हो जहां पर चींटियां ज्यादातर घूम रही हों, एक ऐसा गड्ढा जहां पर ज्यादातर चींटियां आसपास हो, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे चींटियां, कीड़े मकौड़े जहां पर ज्यादा हो, उस गड्ढे के अंदर आपने उसे गाड़ देना है, फेंक देना है, और आपने सीधा घर को वापिस आ जाना है। ये जो मंत्र है ये वशीकरण मंत्र है जो कि उस व्यक्ति को आपके वश में कर देगा, जिससे कि वह व्यक्ति सदैव आपके बारे में सोचेगा, आपके प्यार में पड़ जाएगा, आपके अलावा उसे और कुछ नजर नहीं आएगा, और आपसे बिछड़ चुका है तो भी वह व्यक्ति आपके पास लौट आएगा बिल्कुल पूरे प्यार, पूरे मोहब्बत, पूरी शिद्दत के साथ। तो ये उपाय को बिल्कुल आपने विश्वास के साथ करना है। बहुत प्रभावशाली टोटका है, इसे एक बार जरूर आजमा कर देखिएगा। और ये जो टोटका है शनिवार, शुक्रवार की रात को आपने करना है और शनिवार की सुबह को इसे आपने गड्ढे में फेंक देना है, जो उपाय आपको बताया गया है। उपाय इसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से आपको बताया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।